तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाले ACE क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूं और इसी के साथ में ही इस कार्ड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है, एनुअल फीस कितनी है, इस कार्ड की लिमिट कितनी है और साथ ही आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है वो एनवेलप जिसके अंदर है मेरा एक्सिस बैंक का ACE क्रेडिट कार्ड जो कि मुझे ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस की तरफ से कल ही डिलीवर हुआ है। अब दोस्तों अगर आपका भी कोई भी पैकेट है जो कि ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस की तरफ से आया है तो उसे आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल से, वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैंने आपको उस वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपका भी कोई पैकेट आया है तो उसे ट्रैक कर लीजिए कि आपका जो पैकेट है वो फिलहाल अभी कहाँ पहुंचा है। दोस्तों इसके बाद में मैं कर लेता हूँ इसको ओपन और ओपन करने के बाद में इसमें जो सबसे पहला आइटम है वो ये है जिसके अंदर है ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है अबाउट योर क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर आपको चार स्टेप देखने के लिए मिल जाते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले स्टेप में आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाना है, उसके बाद में आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में जाना है, अपने डोमेस्टिक इंटरनेशनल फंक्शनैलिटीज को ओपन करना है, ऑन ऑफ करना है, उसके बाद में आप अपने क्रेडिट कार्ड के पिन को जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हैं वो भी घर बैठे। और दोस्तों इसके बाद में जो हमारा मेन है वो है हमारा ACE क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे भी यहाँ पे मिल चुका है मेरा एक्सिस बैंक का ACE क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऊपर ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाता है प्राइमरी कार्ड नंबर आपका, उसके बाद में एड ऑन कार्ड नंबर में नॉट अवेलेबल, क्रेडिट कार्ड लिमिट है, यानी कि हर कार्ड की लिमिट आपको अलग अलग दी जाती है, मगर मेरा जो ये क्रेडिट कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो है 75,000 यानी कि 75,000। इसके बाद में इंटरनेशनल लिमिट है वो है 75,000 की और कैश विड्रॉल लिमिट रखी गई है यहाँ पे 0 रुपए। इसके बाद में है ज्वाइनिंग फीस है बिल्कुल 0 रुपए, यानी कि आप फ्री में ही इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज्वाइनिंग फीस आपको इसके लिए नहीं देनी होगी। मगर इसकी जो एनुअल फीस है यानी कि एक साल की फीस है वो है 499 रुपीज यानी कि लगभग 500 रुपए, 499 रुपए। और इसके बाद में जो प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, एड ऑन कार्ड एक्टिवेशन कोड नॉट अवेलेबल। और अब अगर आप इस कार्ड से बिल पेमेंट करते हैं तो आपको कितने परसेंट का कैशबैक मिलने वाला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको मिलता है 5% का कैशबैक अगर आप यहाँ पे बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट गैस एंड मोर DTH एंड मोबाइल रिचार्जेस, या फिर आप गूगल पे के ऊपर इस क्रेडिट कार्ड से बिल को पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। अब दोस्तों इसी के अलावा यहाँ पे आपको 4% का कैशबैक दिया जा रहा है स्विगी जोमेटो एंड ओला के ऊपर, और यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलता है अदर स्पेंड पे, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी अदर स्पेंड करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2% का कैशबैक मिलता है। इसी के साथ में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको मिलता है अप टू 20% ऑफ ऑल 4000 प्लस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी इनके प्रोग्राम में शामिल है। और यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों जो सबसे बेस्ट है वो है एक साल के अंदर आपको 4 लॉन्च एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है पर ईयर, यानी कि एक साल में आपको 4 फ्री लॉन्च एक्सेस मिल रहा है। अगर आप बाय एयर ट्रेवल ज्यादा करते हैं तो एक साल के अंदर इस लॉन्च एक्सेस का फायदा आप उठा सकते हैं। कार्ड आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर ही ऊपर एक्सिस बैंक का लोगो है और इसी के बगल में ही ACE की ब्रांडिंग दी गई है, और इसी के नीचे आपको वाईफाई का सिंबल देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ये जो कार्ड है वो है कॉन्टेक्टलेस कार्ड। साथ में ही ये जो वीजा सिग्नेचर भी है, यानी कि इस कार्ड से आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो नंबर है और नेम है वो है गोल्ड कोटेड। और अब बात आती है कि आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में जाना है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होता है, जिससे कि एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, माइजोन क्रेडिट कार्ड, स्पाइसजेट क्रेडिट कार्ड, वहीं पे ही आपको ACE क्रेडिट कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और स्पाइसजेट क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, वो भी एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से वीडियो में बना चुका हूँ, आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं।
या फिर मैंने आपको उस वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। इसी के साथ मेरे दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं कि एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में कैसे लॉग इन करना है, तो उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, या फिर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, क्या आपको इस कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मुझे ये कार्ड काफी अच्छा लगा, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ऑल पर सेट कर दीजिए। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि जब भी हमारे चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।